नमस्कार, प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। हम इस कार्यक्रम में आप सभी को रूबरू कराते हैं उन बीमारियों से जिसके बारे में आम जनता नहीं जानती है, साथ ही विशेषज्ञों से भी जुड़ते हैं और जानते हैं उन बीमारियों के बारे में, साथ ही उनसे कैसे बचा जाए, उनका क्या इलाज होता है। और आज भी हम एक ऐसी ही बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, जो कि पुरुषों में सामान्यता पाई जाती है। इसके क्या लक्षण होते हैं, ये कितनी गंभीर होती है, इन सब चीजों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगे केजीएमयू के प्रोफेसर, साथ ही यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर एसएन शंखवार जी। एसएन शंखवार जी, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमने ये जो टॉपिक उठाया है, ये कितना गंभीर है, क्योंकि अगर बात करी जाए इस टॉपिक की, ये सबसे ज्यादा पुरुषों में पाया जाता है, इसके बारे में लोगों को काफी जानकारी भी नहीं है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये कितना अहम है, इसके बारे में जानना, और क्या है ये? ये बहुत ही अहम है। जैसा कि आपने बताया, प्रोस्टेट ग्रंथि पुरुषों में होती है, तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि एक अखरोट के आकार की ग्रंथि होती है, जो पेशाब की थैली होती है उसके निचले हिस्से में होती है। तो इस प्रोस्टेट ग्रंथि से विशेष तरह के हार्मोन्स और एंजाइम स्रवित होते हैं, जो कि सीमेन को लिक्विफाई करने के काम आते हैं। तो ये जब होता है 40 साल की उम्र, उसके बाद कभी कभी बढ़ जाती है, और अगर कोई जागरूक नहीं है तो इसकी वजह से जो परेशानियाँ आती हैं वो हमारी पेशाब की थैली को भी कमज़ोर कर देती हैं, पेशाब के मार्ग में रुकावट करती हैं। तो इसलिए पेशाब का जो खारिज होना होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और कई बार मरीज को इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि यूरिन रुक भी जाती है और कभी कभी खून भी आ जाता है। कुल मिलाकर के अगर लापरवाही हुई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, और ऐसे में मरीज को भर्ती भी होना पड़ सकता है, और तेज़ बुखार और अन्य लक्षण भी डेवलप हो सकते हैं। अगर इसके लक्षणों की बात करें तो इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चले कि रोगी इसी बीमारी से पीड़ित है? ये बीमारी यूजुअली 45 और 50 साल के बाद ही होती है, जो कि प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाती है। ऐसे में इन लोगों को जो लक्षण मुख्यतः आते हैं कि जल्दी जल्दी पेशाब आना, पेशाब करने के बाद ऐसा महसूस होना कि अभी पेशाब पूरी तरह से नहीं निकली है, और पेशाब के साथ खून आ जाना, खून पेशाब में जलन होना, और कभी कभी पेट के निचले हिस्से में सूजन आ जाती है। इसका मतलब कि पेशाब पूरी तरह से खारिज नहीं होती है, और कभी कभी तो पेशाब बिल्कुल रुक जाती है। तो ऐसी स्थिति में एक बूंद भी पेशाब नहीं आती, और पेशाब के निचले हिस्से, पेट के निचले हिस्से में फूला फूला सो जाता है कि सूजन आ जाती है। जी, ये बीमारी कितनी गंभीर होती है? अगर पेशाब रुक गई पूरी तरह से तब तो गंभीर है ही, क्योंकि उसमें दर्द होता है, बेचैनी होती है, और पेशाब बाहर नहीं निकलेगी तो शरीर में जो हानिकारक पदार्थ पेशाब के साथ छन के बाहर निकलते थे वो नहीं निकल पाएंगे, जिनकी वजह से मरीज को ज़्यादा दिक्कत होगी, और ऐसे मरीजों को भर्ती करवाना फिर आवश्यक हो जाता है। जी, अगर इसके इलाज की बात करी जाए तो क्या इसका दवाइयों से इलाज संभव है, या फिर सर्जरी ही एकमात्र जरिया है? हाँ, दोनों तरह से संभव है, दवाइयाँ भी हैं और सर्जरी भी है। और आजकल और कुछ भी दवा देने या सर्जरी करने से पहले कुछ जाँचें करवाई जाती हैं, जो मुख्य रूप से पेशाब की जाँच है, जैसे ये ब्लड यूरिया सीरम क्रिएटिनिन है, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक जाँच है, सीरम PSA की जाँच है, और अल्ट्रासाउंड आजकल सभी जगह हो जाता है, अल्ट्रासाउंड की जांच है। तो इन जांचों से हमें पता चल जाता है कि प्रोस्टेट ग्रंथि का साइज कितना है, कितनी बड़ी हुई है, इसके अंदर के फीचर्स कैसे हैं, और इसमें कहीं ऐसा तो नहीं, कोई एब्सेस वगैरह तो नहीं बन रहा है। तो इन जांचों के बाद फिर हम देखते हैं कि अगर मध्यम श्रेणी का बढ़ा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा होता, तो दवाइयाँ काफ़ी कारगर होती हैं। तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनमें कि अल्फा ब्लॉकर कहते हैं, और कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो ड्यूटास्टेरॉइड ग्रुप का होता है, तो अलग अलग भी देते हैं और मिला के भी देते हैं। कुछ दवाइयाँ आजकल आयुर्वेदिक और होम्योपैथ की भी आ गई हैं, तो उनको भी दिया जा सकता है। जी, अगर प्रोस्टेट ग्रंथि के कारणों की बात करी जाए तो किन कारणों से होता है, क्या जो हमारा आजकल का बिजी शेड्यूल हो गया है उस वजह से ये बीमारी हमारे शरीर में आती है, मतलब कि पुरुषों में उत्पन्न हो जाती है? ये बीमारी मुख्यतः ये है कि जैसे उम्र बढ़ती है तो शरीर में हार्मोनल चेंजेज आते हैं, ईस्ट्रोजन की मात्रा थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है, तो उसकी वजह से होती है। साथ साथ ऐसे लोग जिनके परिवार में पहले इस तरह की दिक्कत रही है, तो यह थोड़ा सा हेरिडिटरी भी होती है, और ऐसे लोगों में भी ज़्यादा देखा गया, जो लोग मांसाहारी होते हैं और जो लोग ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं उनमें भी ज़्यादा होता है। तो अगर जंक फूड और जेनेटिक दोनों ही कारण होते हैं? हाँ, जंक फूड और जेनेटिक्स दोनों ही रोल प्ले करते हैं इस बीमारी को होने में। तो हमें इनसे अगर बचाव करना है तो इसमें सावधानी रखनी होगी ताकि बचाव हो सके। जी, किस तरह का बचाव करना चाहिए ताकि अगर उम्र बढ़ती भी है तब भी इस बीमारी से बचा जा सके? हाँ, बीमारी से बचने के ही है कि हम बहुत जंक फूड का उपयोग ना करें, बहुत ही ज़्यादा ऑयली चीज़ें, चिकनी चीज़ें ना करें, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि हम थोड़ा सा
योगा प्राणायाम सात्विक अपना जो भोजन होता है एक्सरसाइज वगैरह भी करते रहें, और यदि जरा सा भी कोई लक्षण डेवलप हो तो शुरुआती दौर में ही टेस्ट करा करके एक गोली शुरू कर देनी चाहिए ताकि इस पर नियंत्रण बना रहे। जी, प्रोस्टेट कैंसर भी देखने को मिल रहा है आजकल, और इसकी वजह क्या है? क्या ये जो ग्रंथि बढ़ती है, इसकी जो साइज बढ़ती है, क्या यही गंभीर रूप लेके कैंसर बन जाती है? एक सभी में नहीं ऐसा होता, सभी में कैंसर नहीं बनता, लेकिन कुछ लोगों में ऐसा होता कि अगर उचित समय पर इलाज नहीं किया, ग्लैंड काफ़ी बढ़ी हुई है और उसमें कैंसर की तरफ जाने के चांसेस रहते हैं। तो अगर किसी को पेशाब की दिक्कत हो रही है, साथ में दर्द हो रहा है और खून आ रहा है, तो प्रबल संभावना होती है कि हो सकता कैंसर हो रहा हो। तो आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी जाँचें आ गई हैं जिन जांचों की सहायता से हम तुरंत पता कर सकते हैं कि कैंसर है कि नहीं है। और कहा जाता है कि मतलब शुरुआती दौर में अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट हो जाए तो हर एक बीमारी पे कंट्रोल पाया जा सकता है। जी, अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट कितने समय तक चलता है, कितने समय में इसका इलाज संभव है? इसका इलाज तो कई बार होता है, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ी है तो एक गोली लेनी होगी, तो एक गोली थोड़े लंबे समय तक चलती रहती है, 3 साल के आसपास, 2 से 3 साल, तो उससे नियंत्रण बना रहता है। यदि जांच में हमें पता चला कि प्रोस्टेट कैंसर है, तो अगर फैला हुआ है तो कुछ हार्मोनल चेंजेज लाने होते हैं, उसके लिए दवाइयाँ दी जाती, और अगर लोकलाइज होता है तो उसके लिए सर्जरी करके निकाल दिया जाता है। तो सर्जरी, हार्मोनल चेंजेज, ये दोनों जो है लाभदायक होते हैं कैंसर प्रोस्टेट ट्रीट करने के लिए। जी, अगर माना जाए कि अगर ये आम इंसान को होता है और इंसान ठीक भी हो जाता है, तो क्या दोबारा इसका कभी असर देखने को मिल सकता है भविष्य में? अगर ये बीमारी हुई है और दवा से इम्प्रूव कर गई है तो ज़्यादातर में दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ लोगों में दोबारा होने के लक्षण हो सकते हैं। यदि ऐसे लक्षण आ रहे हों तो दोबारा टेस्ट करा करके दवाइयाँ शुरू कर देनी चाहिए। और कुछ लोग तो जैसे ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर की एक गोली खाते हैं ताउम्र, इसकी भी एक गोली खाते रहें तो स्थिति में नियंत्रण बना रहेगा, ताकि जो है आगे ज़्यादा दिक्कत ना आए। क्योंकि अगर नियंत्रण नहीं रहा तो फिर पेशाब रुकती रहेगी तो स्टोन बन भी बन सकता है, अन्य परेशानियां भी आ सकती हैं, और कभी कभी गुर्दा भी फेल हो सकता है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी बिल्कुल, अगर बात करी जाए किसी अन्य बीमारी की, तो कौन सी ऐसी बीमारी होती है जिसके होने के बाद इस बीमारी के होने की संभावना ज़्यादा रहती है? ये ज़्यादातर देखा कि अगर इन्फेक्शंस हो रहे हैं ना, जिसे प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं, तो जिनको इन्फेक्शंस होते हैं, जिनको जो है ये मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होते हैं, जहाँ मतलब इन्फेक्शन इधर से उधर हो रहा हो, और कभी कभी ऐसे मरीजों में जिनमें स्टोन बना है, स्टोन फंसा हुआ है, इन्फेक्शन कर रहा है, तो इन मरीजों में ज़्यादा चांसेस होते हैं। और साथ में जिनको परिवार में इस तरह की दिक्कत रही हो, हेरिडिटरी, उनको भी होता है ऐसा। अगर बात करी जाए प्रोस्टेट ग्लैंड की, तो अगर इसको समझना हो, क्योंकि ग्लैंड का मतलब तो ग्रंथि हो गया, अगर इसको डीपली समझना चाहे कोई, तो किस तरह से समझ सकता है, क्या है ये? ये एक तरह की जो होती है अंतःस्रावी टाइप की ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, जिसका मुख्य काम होता है कि कुछ ये एंजाइम को सिक्रीट करना। जो एंजाइम होता है तो वो एंजाइम जो सीमेन होता है ना, इसको लिक्विफाई करने का काम करता है, तो ये उसका मुख्य काम होता है। इसके अलावा और भी एंजाइम्स वो सिक्रीट करती है, तो विशेषता उनका काम यही होता है कि रक्त में जो एंजाइम की कमी ना होने दो, ताकि जो रक्त में जब भी जरूरत पड़े एंजाइम की तो उसको उपयोग हो सके। जी, तो खराब भोजन और हमारी दिनचर्या तो हर बीमारी की वजह होती ही है, अच्छे भोजन से हम कैसे इस बीमारी से लड़ सकते हैं? अच्छे भोजन से इस तरह से लड़ सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, जब इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो इन्फेक्शन दर वगैरह कम होगी, और इस तरह से हम उस बीमारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि पौष्टिक भोजन लें, मल्टीविटामिन्स मिनरल्स वगैरह लें, साथ में योगा प्राणायाम वगैरह करें, अपनी इम्यूनिटी को सुदृढ़ रखें। तो अगर ये सब करेंगे तो फिर हमारे जो बीमारी होने का वो चांस कम होता है, और हम स्वस्थ रह सकते हैं और अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकते हैं। जी, अगर प्रोस्टेट की बात करें तो इसके कितने प्रकार होते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि में बेसिकली तो प्रोस्टेट ग्रंथि है, तो इसमें स्टोन हो सकता है, जिसे प्रोस्टेटिक कैलकुलाई कहते हैं, इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, प्रोस्टेटाइटिस हो सकते हैं, इसका बिनाइन इनलार्जमेंट हो सकता है, और कैंसरस इनलार्जमेंट हो सकता है। कभी कभी कैंसरस में एपिथीलियम में होता है, और कभी कभी मांसपेशियाँ होती हैं, रेबडोमायोसार्कोमा, लियोमायोसार्कोमा, इस तरह की भी परेशानी हो सकती है। तो आजकल MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, बहुत अच्छी अच्छी जाँचें आ गई हैं, तो समय पर उसका अगर हम इन्वेस्टिगेट करा लें तो ट्रीटमेंट अच्छे से समय से हो सकता है, और बीमारी से पूर्णतः निजात पाया जा सकता है। जी, ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती है जिसके बारे में जनता जागरूक ही नहीं होती, तो इस बीमारी के लिए जागरूकता फैलाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जागरूकता फैलाने के लिए तो जैसे
प्रोस्टेट ग्रंथि संबंधित दिक्कत के लिए 1 सितंबर माह को पूरा प्रोस्टेट माह मनाया जाता है, और जो इसके लक्षण होते हैं कि जल्दी जल्दी पेशाब आना, पेशाब में जलन होना, खून आ जाना, ये सब अगर लक्षण हो रहे हैं 40 और 45 साल की उम्र के बाद, तो सजग हो जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में अल्ट्रासाउंड जांच है, यूरिन का जांच है, ब्लड का जांच है, ये सब करवाने चाहिए, देखना चाहिए। क्योंकि स्वस्थ पहला सुख निरोगी काया, हर एक किसी को चाहिए कि मतलब उसका काया निरोग रहे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बीच बीच में जाँचें करा लें, टेस्ट करा लें, ताकि समय से कोई चीज़ है अगर पता चल जाए और उसका उचित इलाज हो जाए और इंडिविजुअल स्वस्थ रहे। जी, अगर इलाज की बात करी जाए तो क्या कभी कोई ऐसा भी केस होता है जिसमें इलाज में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है या फिर ठीक ना हो? ज़्यादातर में देखा गया इलाज से ठीक हो जाता है, तो दवाइयों से ही या सर्जिकल प्रोसीजर से। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसे मरीज हैं जो बहुत ही ज़्यादा सिक हैं, जिनमें कई बीमारियाँ हैं, अब जैसे कि डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, या ऐसा कोई HIV हो गया, ऐसे कोई इन्फेक्शन हो गए जिसमें कि उनको बेहोशी नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा दिक्कत आती है। लेकिन उसके लिए भी नई नई तकनीकी आ गई हैं, उस तकनीक की सहायता से हम इलाज कर सकते हैं। जी, HIV और आपने साथ ही साथ स्टोन का भी जिक्र किया है, तो इन दोनों का इससे क्या संबंध है? ये देखा गया जिसका इम्यूनिटी कम होता है ना, उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। जिसमें इन्फेक्शन ज़्यादा होंगे तो नेचुरली और कॉम्प्लिकेशन, यूरिया वगैरह बढ़ना, क्रिएटिनिन बढ़ जाना, ये सारा भी हो जाता है। तो अगर दिक्कतें ऐसी आ रही हैं तो पहले HIV के लिए जो अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई वो दे करके स्थिति को कंट्रोल किया जाता है, फिर इलाज किया जाता है। तो यानी कि एक इन्फेक्शन है, एक तरह का इन्फेक्शन से ये बीमारी शुरू होती है। ये बीमारी इन्फेक्शन से भी शुरू होती है, और थोड़ा सा समय के साथ जो हार्मोन चेंज आते हैं आफ्टर द एज ऑफ 45 ईयर, वो भी रोल प्ले करते हैं। तो क्या कुछ चलने फिरने, उठने बैठने या फिर बॉडी पे ज्यादा लोड ना देने की भी सलाह दी जाती है डॉक्टरों द्वारा? नहीं, अगर इसकी वजह से कोई दिक्कत हो रही है और दर्द हो रहा है कुछ, तो सलाह दी जाती है, अदरवाइज आदमी दवा ले सकता है, सामान्य रूप से काम कर सकता है। जी, जिस तरह से यूरिन की प्रॉब्लम बताई गई है, तो क्या पानी ज्यादा पीने की सलाह भी दी जाती है, क्योंकि यूरिन में प्रॉब्लम होती है, तो उस प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं? हाँ, अगर पेशाब में जलन हो रही है और ऐसा लग रहा है कि पेशाब रुक रुक के आ रही, तो यूरिन ठीक ठाक ढंग से आए, इसलिए ये पानी पीने की सलाह दी जाती है। और पानी जो है सर्दियों में तो 2.5-3 लीटर के बीच में, और गर्मियों में 3.5-4 लीटर के आसपास प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि अगर पेशाब 1.5 लीटर से कम आ रही है तो इंडिकेट करता है कि जो शरीर के हानिकारक पदार्थ हैं पूरी तरह से फिल्टर नहीं हो रहे। तो इतना पानी लेने से लगभग 1.5 लीटर पेशाब आती, जो कि शरीर में जो भी हानिकारक वर्ज्य पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है। जी, और अगर बात करें जाए इस बीमारी की, तो इस बीमारी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो कि अभी तक आपने ना बताई हो, जो जनता को मालूम होना काफ़ी ज़रूरी हो? जनता से यही अनुरोध करना चाहेंगे कि देखिए, पेशाब की आप तो तुलनात्मक रूप से देख ही सकते हैं कि बचपन में कैसा पेशाब था, जब मिडिल एज में कैसा रहा, और अब क्या दिक्कत आ रही है। तो आप देखें, ज़्यादा दिक्कत आ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, जल्दी जल्दी जाने का बढ़ गया है, और बहुत समय लग रहा है, जोर लगाना पड़ रहा है। अगर ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, बुखार आ रहा है, तो फिर आप डॉक्टर को जरूर दिखा लें। और आजकल अल्ट्रासाउंड और पेशाब की जांच तो छोटे छोटे कस्बों में भी हो जाती है, तो उसे अवश्य करा लें। और अगर बढ़ी हुई है प्रोस्टेट ग्रंथि या इन्फेक्शन के लक्षण आते, तो तदनुसार एक जो इलाज है उसको शुरू कर दें, और साफ सफाई रखें, पानी वगैरह समय से प्रचुर मात्रा में लेते रहें, थोड़ा सा अपना योगा मेडिटेशन ये अवश्य करें, एक्सरसाइज, इस तरह से अपने आप को फिट रखें, तो और इस पर नियंत्रण बना रहेगा। अगर प्रोस्टेट की बात करी जाए, तो क्या ऐसी भी संभावना है कि कम एज के लोगों में भी ये देखने को मिल सकता है? साथ ही साथ अल्कोहल और स्मोक जैसी बुरी आदतों का कितना असर पड़ता है? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, इसका स्मोकिंग और अल्कोहल का काफ़ी फर्क पड़ता है। स्मोकिंग तो शरीर का कोई भी कैंसर हो उसको बढ़ने में सहायता करता है, तो स्मोकिंग सभी कैंसर के लिए हानिकारक, तो प्रोस्टेट कैंसर के लिए भी हानिकारक है, तो स्मोकिंग तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। अल्कोहल भी हानिकारक है, क्योंकि अल्कोहल कंजप्शन के बाद हमारा किडनी का कंसंट्रेशन, यूरिन का पावर सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, अगर कोई लेता भी हो तो बहुत प्रचुर मात्रा, लेस मात्रा में, less than 30 ml पर डे, इससे ज़्यादा नहीं कंज्यूम करना चाहिए। जी, अगर किसी पुरुष को प्रोस्टेट ग्लैंड से संबंधित बीमारी है, तो क्या इसका किसी महिला पे भी फर्क पड़ सकता है? इन्फेक्शन है अगर कहीं, तो फिर इन्फेक्शन इधर से उधर ट्रांसमिट हो सकता है, और बाकी जो हार्मोन की वजह से बढ़ता है उस पर तो कोई असर नहीं पड़ता, तो इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने का एक जरिया हो सकता है ये। जी, तो किस तरह का असर पड़ सकता है महिलाओं पे? महिलाओं पे ही होता है कि उनको भी UTI हो सकता है, और वेजिनाइटिस, संक्रमण, ये सब हो सकते हैं।
क्योंकि अगर प्रोस्टेट में कोई अब्सेस है, इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन अब्सेस उसमें भी पहुंचेगा, तो इसमें ऐसे में जब अगर वो है बैरियर मेथड वगैरह यूज करें तो दिक्कत कम आएगी। जी, तो ऐसे में किन सावधानियों को बरतना चाहिए? मतलब नंबर वन तो साफ सफाई तो अच्छे से करनी है, और जो विशेष तौर से अगर कोई दिक्कत रखती है तो उसका तुरंत इलाज कराएं, और ये बैरियर टेक्निक्स होती हैं लाइक कंडोम, ये सब यूज करना चाहिए ताकि जो है उसका एक का बॉडी फ्लूड दूसरे के बॉडी फ्लूड से ना मिले। जी बिल्कुल, क्या कोई संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप यूरोलॉजी विभाग से हैं, HOD है KGMU में, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? हम बेसिक तौर से यही कहना चाहेंगे, देखिए पहला सुख निरोगी काया, स्वस्थ होना एक बहुत बड़ी नियामत है, उपलब्धि है, तो स्वस्थ रहें। अब स्वस्थ रहने के लिए जितने होते हैं उसका ज्ञान होना जरूरी है, और मुख्य रूप से जो चीज़ें अपने हाथ में होती हैं उनको तो कम से कम करें कि प्रचुर मात्रा में नींद लें, व्यायाम करें, सात्विक भोजन और ताजे भोजन का उपयोग करें, मांसाहार का कम से कम उपयोग करें, और जो स्मोकिंग होती है इसको तो बिल्कुल तिलांजलि दे के रखें, बिल्कुल ही नुकसानदायक होती, ये सभी तरह के कैंसर करती है, तो इन बातों का ख्याल रखें, और जो है अपने आप को थोड़ा सा समय निकाल करके मेडिटेशन वगैरह भी अवश्य करें, और सभी लोग सुखी और निरोग रहें और एक दूसरे की सहायता अवश्य करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी अहम जानकारी देने के लिए। तो आज के हमारे इस हेल्थ मंत्रा के कार्यक्रम में KGMU के प्रोफेसर, साथ ही साथ यूरोलॉजी विभाग के HOD SN शंखवार जी जुड़े थे, जिन्होंने हमें प्रोस्टेट ग्लैंड से जुड़ी कई अहम जानकारियां भी दी और साथ ही कैसे इसका बचाव किया जा सकता है इसके बारे में भी बताया। अगले एपिसोड में हम एक और डॉक्टर और एक और बीमारी से जुड़ी हुई चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे और साथ ही उनके बचाव के बारे में भी जानेंगे। तब तक आप देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।